Hi guys, welcome back to my channel. So today I am going to teach you about the 5 types of floating eyeliner that you can use in your daily life, in your college life, in your school life, if you wish to, and आप किसी पार्टी ओकेजन किसी भी में से वेयर इन द आइलैंडर्स को वेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा. सो चलिए स्टार्ट. ऑल राइट गाइज, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज ऑलरेडी फिल कर लिए हैं. अगर आपको भी देखना है कि मैं आईब्रोज कैसे फिल अप करती हूँ तो आप लास्ट ट्यूटोरियल में जो मैंने अपलोड किया आप देख सकते हैं. उसमें मैंने आपको बताया है कि आप 3 तरह से अपनी आईब्रोज फिल अप कर सकते हैं. वो बिगनर्स ट्यूटोरियल है, आप चाहे तो वैसे भी उसे देख सकते हैं. एंड यहाँ पर जो उसमें सेकेंड तरीका मैंने आपको बताया था बाई यूजिंग आईब्रो पाउडर, तो उसी से मैंने अपने आईब्रोज फिल अप किए, क्योंकि आई डोंट लाइक ए टैटू टाइप ऑफ आईब्रोज, बहुत ज़्यादा डार्क तो थोड़ा नेचुरल भी लगे. तो यहाँ पे मैं कंसीलर से अपनी आईज़ को कंसील कर रही हूँ. अब जो मैंने कंसीलर लिया है ये स्विस ब्यूटी का है, एंड मैं काफ़ी थिक लेयर लगाऊंगी कंसीलर की अपनी आईज़ पे. ऑल राइट, तो मैंने आईज़ पे सिर्फ जॉनसन्स बेबी ऑयल से हल्का हल्का मसाज किया है. देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है ताकि यू नो स्किन बहुत ड्राई हो रही है एंड ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जॉनसन्स बेबी ऑयल विल बी फाइन फॉर माय स्किन. एंड उसके बाद अगर कंसीलर अप्लाई करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा. देन यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ लिए, आईब्रोज़ के लिए लिया है एक खाली मस्कारा वैन, दैट वो मस्कारा नहीं था, खाली उसका वैन था, तो उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को कॉम किया. एंड देन यहाँ पर मैंने हिलेरी रोडाई शेडो पैलेट से लिया है एक वाइट शेड, ताकि आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं. एंड देन उसके बाद मैंने लिया एक ब्रॉन्ज शेड. ऑल राइट, तो ब्रॉन्ज जो ये शेड है मैं सिर्फ खाली आउटर वी में अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहे तो अगर आपको आई मेकअप पूरा अच्छे से क्रिएट करना है तो उसके बाद भी आईलाइनर आप अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने खाली हल्की डेप्थ देने के लिए ये यूज़ किया है. अब जो मैंने स्केच लाइनर लिया है ये है मैलियो का. ऑल राइट, तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला ही है. एंड इस तो इसका टिप इतना ज़्यादा अब फाइन नहीं रहा, तो मैं इसी से क्रिएट कर रही हूँ. और साथ में मैं इसके यूज़ करूँगी लिक्विड लाइनर. ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्ट्रोक क्रिएट किया है हाफ़ लाइनर. ओके, हाफ़ आई से मैंने एक स्ट्रोक क्रिएट किया है. एंड यहाँ पर मैंने इस तरह से एक आर्च क्रिएट किया. ऑल राइट, तो ये लिक्विड लाइनर है एंड ये स्विस ब्यूटी का है. एंड इसका जो टिप है काफ़ी फाइन है, तो काफ़ी पॉइंटेड है, तो इससे मुझे लगा कि जो क्रीज लाइन में बहुत अच्छा सा ये विंक क्रिएट करेगा, सॉरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी इससे अच्छे से. तो मैंने इसको यूज़ किया एंड यू कैन सी कितना सही एंड फाइन आया है. तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, दिस इज़ द स्विस ब्यूटी का मस्कारा. ऑल राइट, सो जितने भी लाइनर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं सबके नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर देने हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा. ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया है. सो दिस इज़ द नंबर 1, आई होप यू विल लव दिस. आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से इन 5ों में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा. ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. सो गाइज, ये वीडियो मैंने बहुत मतलब फ़ैन ऑफ करके गर्मी में बनाई, तो इसमें एक लाइनर काफ़ी हद तक रियून हो गया, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट. ऑल राइट, सो ये सेकेंड नंबर लाइनर है. इसमें आपने एक खाली एक विंग ड्रॉ करना है जैसे हमेशा करते हैं सारे लाइनर्स में, और इसे भी हम हाफ आई से ही लेंगे, हाफ आई से थोड़ा आगे, पूरा इनर कॉर्नर से नहीं लेना है. एंड देन जहाँ भी आपका क्रीज है वहाँ पे अपना एक कट क्रिएट करना है इस तरह से. ऑल राइट, आपको इस कट को बिल्कुल भी वहाँ ज्वाइन नहीं करना है. एंड आप चाहे तो इस लाइन को काफ़ी थिक भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड थिन भी. तो यहाँ पे मैंने काफ़ी थिन ड्रॉ करी है ताकि जो लुक है वो काफ़ी अच्छे से आ जाए. एंड आई होप यू विल लव दिस लुक टू. आप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ऑलराइट, सो थर्ड नंबर है आपका, इसी लाइन को आप इससे ज्वाइन कर देंगे, आपका जो आपने जो क्रिएट किया है इसी को इसे ज्वाइन कर देंगे. ऑलराइट, इस तरह से, और आप इसको अंदर जैसे लेके जाएंगे तो वहाँ थिन रखेंगे, एंड जैसे आप बाहर लेकर आएंगे तो उसको आप थिक रखेंगे. तो इस तरह से आपका थर्ड नंबर लाइनर भी डन हुआ. ऑल राइट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा यूनिक स्टाइल है, आपका वेस्टर्न आउटफिट भी ईजिली जाएगा. ऑल राइट, तो सो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है ये मेरा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें
बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है। एंड अगर आपके पास काफ़ी अच्छा स्केच लाइनर है उसकी टिप बहुत अच्छी है एंड वो काफ़ी जेट ब्लैक है, देन ये लाइनर उससे बहुत अच्छा आने वाला है। एंड बिलीव ही, मुझे इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे कि मैंने इसको दो बार रब करके थर्ड टाइम पे मैंने ड्रॉ किया तब ये ऐसा आया है, क्योंकि मेरे आइज़ में से काफ़ी वो लाइनर लगाने से पानी आ रहा था, तो ये काफ़ी इनर कॉर्नर से काफ़ी हद तक र्यून हो गया। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये सर्दी के टाइम पे काफ़ी अच्छा वर्क करे, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है गर्मी में। तो इसलिए आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें आपके इनर कॉर्नर भी परफेक्ट होने चाहिए। एंड मैंने इसको बहुत ट्राई किया, कंसीलर भी लगाया, बट स्टिल मेरे आँख से बार बार पानी आ रहा था, तो ये काफ़ी हद तक र्यून हो गया। ऑल राइट, जो लास्ट है हमारा वो बहुत ही इजी है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको वन डे स्किन चैलेंज चाहिए टू मेक योर स्किन ग्लो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा कि शैल आई मेक दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक और नॉट। सो यहाँ पे जो लास्ट लाइनर है वो आप सिंपली इस तरह से लाइनर ड्रॉ करेंगे, एंड इस तरह से आपने सिंपल एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है। एंड जो आपका विंग है उसको आप अच्छे से कर्व शेप में लेके जाएंगे, कर्व शेप में, स्ट्रेट नहीं रखना है, सिर्फ कर्व रखना है। एंड जितना लॉन्ग आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। सो ये थे आपके 5 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग लाइनर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैंने यहाँ पे लैशेज इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि कोई बिगनर भी इसलिए यूज़ कर सकता है। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।